Hello friends, press the subscribe button and hit the bell icon for more such easy videos. Namaste friends, main Sunil sir, aaj ek naye topic ke sath aapke paas aaya hu. Is topic ka naam hai Phylum Porifera. Kingdom Animalia ka sabse pehla phylum hai. Porifera ka matlab kya hota hai? Pori matlab hota hai pores, fera matlab to bear. Ye wo animals honge jinke body pe dher sare pores honge. ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं या छोटे छोटे छेद हैं या जो छोटे छोटी ओपनिंग्स हैं, इन ओपनिंग्स को हम कहते हैं ऑस्टिया. और इन सबको मिला के ऊपर एक बड़ी सी ओपनिंग होती है जिसको कहते हैं ऑस्क्यूलम. मतलब क्या हुआ, एक तो ये समुद्र में रहेंगे, पानी ऑस्टिया से आएगा और ऑस्क्यूलम से बाहर निकलेगा. पॉरीफेरेंस की सबसे खास बात ये कि ये सेडेंटरी होते हैं, मतलब हमेशा जमीन पे चिपके होते हैं, कोई भी मूवमेंट कोई भी लोकोमोशन ये नहीं दिखाते. हम यहाँ पे जो है पॉरीफेरा का एलएस बना रहे, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, देखने के लिए कि अंदर से होते कैसे हैं. तो हमें यह पता चला अंदर से इनके पास छोटे छोटे फ्लैजेला जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, पानी के मूवमेंट को हेल्प करते हैं. अब ये जो सेल्स दिख रहे हैं इनमें स्पेशलाइज्ड अलग अलग सेल्स होते हैं, जैसे कियोनोसाइट्स होते हैं, कॉलर सेल्स होते हैं, अमीबोसाइट्स होते हैं, आर्कियोसाइट्स होते हैं. ये सारे सेल्स के बारे में मैं धीरे धीरे बताऊंगा. फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि ये जो छोटी सी ओपनिंग है इसे हम कहते हैं ऑस्टिया और ये बड़ी सी ओपनिंग को हमने नाम दिया ऑस्क्यूलम. और इस पॉरीफेरा के अंदर जो कैविटी होती है उसे कहते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी. स्पॉन्जो मतलब होता है स्पॉन्ज. सेल्स जो पाए जाते हैं पॉरीफेरा में, एक सेल है कियोनोसाइट. कियोनोसाइट्स का दूसरा नाम क्या होता है, कॉलर सेल्स. कोलार सेल्स क्या करते हैं, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन. इसका मतलब ये कि ये वो सेल्स हैं जो पॉरीफेरेंस को खाना खाने में मदद करेंगे. जो दूसरे, अगर आप ध्यान से कियोनोसाइट्स को देखेंगे तो इनमें एक ये वास शेप के होते हैं और इनमें एक फ्लैजेला होता है. और ये फ्लैजेला क्या करता है, वाटर के मूवमेंट में हेल्प करता है. दूसरा जो सेल है उसे हम कहते हैं अमीबोसाइट. अमीबोसाइट्स वो सेल्स हैं जो कैलकेरियस स्पिक्यूल सिक्रीट करते हैं, मतलब ये वो सेल्स हैं जो कहीं ना कहीं स्केलेटन बनाने में हेल्प करेंगे पॉरीफेरेंस की. अब हम क्या कर रहे हैं, पॉरीफेरेंस को या स्पॉन्ज को दोनों लेयर से देखते हैं, एक बाहर से और एक अंदर से. इस वीडियो को अंत तक देखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि लास्ट में मैंने इन्हें याद करने के लिए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा एक सेंटेंस दिया है जिसमें आपको पूरा का पूरा फाइलम पॉरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो जाएगा. और यदि आपको एंड में वीडियो पसंद आ जाए कि लगे हाँ सर ने जो वीडियो बनाया बहुत अच्छा बनाया, हमारे काम का है, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा. ये जो सेल्स में ड्रॉ कर रहा हूं ये सब कियोनोसाइट्स हैं जिन्हें हमने क्या नाम दिया हुआ है, कोलार सेल्स. ये जो सेल्स हम बना रहे बीच बीच में ये सब अमीबोसाइट्स हैं. ये वो सेल्स हैं जो कैलकेरियस स्पिक्यूल सिक्रीट करेंगे. मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स हो सकता है, टेट्राएक्सॉनिक स्पिक्यूल्स भी हो सकता है, अलग अलग टाइप के स्पिक्यूल्स हो सकते हैं. और सेंटर में ये जो कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं स्पॉन्जोसील. तो आइए इसकी लेबलिंग देख लेते हैं. ये छोटी सी बड़ी सी ओपनिंग जो ऊपर, इसे कहते हैं ऑस्क्यूलम जहां से पानी बाहर निकलेगा, और ये छोटी छोटी ओपनिंग्स को कहते हैं ऑस्टिया जहां से पानी अंदर आएगा. ये अमीबोसाइट्स हैं, अमीबा शेप के सेल्स होते हैं, इररेगुलर शेप्स. ये है कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, और ये जो सेल्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, कियोनोसाइट सेल्स. इनका दूसरा नाम क्या है, कोलार सेल्स. और जो सेंटर में कैविटी है उसे क्या कहेंगे हम, स्पॉन्जो सील. इनमें आर्कियोसाइट्स भी नाम के सेल्स होते हैं जो गैम्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. एग्जाम्पल्स क्या है, तो साइकॉन, यूस्पॉन्जिया और स्पॉन्जिनेला, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फाइलम पॉरीफेरा के, स्पॉन्जिला. अब सिमेट्री कैसी है पॉरीफेरेंस की, हम कह देंगे एसिमेट्री, मतलब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकते. हैबिटेट एक्वेटिक है, समुद्र में भी रहेंगे, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, हालांकि फ्रेश वाटर में बहुत ही कम रहते हैं, जैसे स्पॉन्जिला एक एग्जाम्पल है. जब आप बात करोगे इनकी बॉडी प्लान की तो ये सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान दिखाते हैं. सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सारे सेल्स एक साथ तो भले रह रहे हैं पर वो टिश्यू नहीं बना रहे हैं, वो सिर्फ साथ में हैं मगर एक साथ काम नहीं कर रहे हैं. तो इन्हें हम कह सकते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन.
अब एक और बात जो आपको समझनी है, ये खाते क्या है, तो हम कह सकते हैं दे फीड ऑन डेट्राइटस। डेट्राइटस मतलब मरे हुए छोटे मोटे जो एनिमल्स होते हैं उनको ये ट्रैप करके फ्लैजेला की मदद से खाते हैं। और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों दिखाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा गैमेट्स के फ्यूजन से होगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, गैम्यूल फॉर्मेशन और फ्रेगमेंटेशन से। तो आइए देखते हैं वो शॉर्टकट को जिससे आप पूरा पॉरीफेरा एक लाइन में याद कर लोगे। सेंटेंस है, पॉरीफेरा में सीएस है, पॉरीफेरा में सीएस है। पॉरीफेरा तो पहला अल्फाबेट है पी। पी का मतलब क्या, पोर्स, पूरे बॉडी पे ढेर सारे पोर्स। कैसे पोर्स, ओ छोटे छोटे पोर्स ऑस्टिया, और बड़े वाले पोर्स जितना बड़ा होगा ओपनिंग ऑस्क्यूलम। ऑस्टिया बहुत सारे होते हैं, ऑस्क्यूलम सिर्फ एक होता है। आर क्या है, रिप्रोडक्शन। दो मेथड है रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, फ्रेगमेंटेशन, गैम्यूल फॉर्मेशन। सेक्सुअल किससे, फ्यूजन ऑफ गैमेट। आई, आई का मतलब क्या, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब ये खाने को अंदर सेल के अंदर लेकर के खाते हैं, या आप इसे कह सकते हो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन जो है इनका इंटरनल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो इनमें पाया गया है। जब आप दूसरे अल्फाबेट एफ की बात करोगे तो एफ का मतलब क्या होगा, तो यहां पर हम जो वर्ड एफ यूज करेंगे, एफ मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। सो लॉजिकली अभी हमने पढ़ लिया कि ये एफ मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखाएगा। अब नेक्स्ट अल्फाबेट जो आएगा वो है ई, पॉरीफेरा का अल्फाबेट ई। ई का मतलब एक्सक्रीशन, ये किस पार्ट से एक्सक्रीट करेंगे। सो लॉजिकली हम ये कह सकते हैं एक्सक्रीशन मतलब ये एक्सक्रीट करेंगे अपने बॉडी के पोर्स से, जो उनके बॉडी पे छोटी छोटी ओपनिंग्स हमने देखी थी ऑस्टिया, उसी ऑस्टिया को के थ्रू वो क्या करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे। अब जो नेक्स्ट अल्फाबेट आता है वो है आर। आर जो है लॉजिकली साइंटिस्ट का नाम है जिसने टर्म दिया था पॉरीफेरा। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है, रॉबर्ट ई ग्रांट, जिसने नाम दिया पॉरीफेरा। अब नेक्स्ट अल्फाबेट है ए। ए का मतलब इनका एक्वेटिक हैबिटेट, पानी में रहने वाले हैं। तो दो तरीके के पानी, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। दूसरा ए होता है उनकी सिमेट्री, ए सिमेट्री मतलब कहीं से भी काटो पर दो इक्वल पार्ट में होने वाले नहीं है। अब आता है मे। मे का मतलब आप ये कह सकते हो ये मल्टी सेलुलर है। एम यहां पर होता है मल्टी सेलुलर, इसका मतलब क्या हो गया, ये बहुत सारे सेल्स एक साथ तो है पर टिश्यू नहीं बनाए। मतलब मैं ये कह सकता हूं मल्टी सेलुलर कैसे हैं, प्रिमिटिव टाइप के हैं, बहुत पहले, सबसे पहले मल्टी सेलुलर एनिमल्स। सी एस जो यहाँ पे वर्ड है, सी का मतलब होता है कैनाल सिस्टम दिखाते हैं ये, जो वाटर का मूवमेंट होता है वो कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है। और दूसरा जो सी है वो है कोलार सेल्स, जिसको आप कियोनोसाइट्स कहते हो, जो किस काम में आते हैं, डाइजेशन में। एच का मतलब ये हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट मतलब ये हुआ कि पॉरीफेरेंस मेल और फीमेल दोनों एक ही एनिमल में आपको मिलेगा, सेक्सेस इनके सेपरेट नहीं है। और एक जो ए है, ए का मतलब आप कह सकते हो अमीबोसाइट्स, जो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स बनाते हैं, या आप कह सकते हो आर्कियोसाइट्स, जो इन्वॉल्व्ड हैं गैम्यूल फॉर्मेशन में। सो जस्ट रिमेम्बर एक सेंटेंस, पॉरीफेरा में सीएस है, आपको पूरा फाइलम पॉरीफेरा याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया है तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए मैं सुनील सर, थैंक यू वेरी मच।